ये नहीं है कि आपने इतने रिजिड तरीके से अपने बच्चों को सिखाया है कि जब बच्चों की शादी हुई तो उन्होंने कहा मामा टाटा बाय बाय, दिस इज योर रिलीजन, ये जो आप सिखा रही थी नमाजें शमाजें आपकी, अब मैं नहीं कर रही, अब मैं नहीं कर रहा। और आप उस वक्त सख्त रोध हो रही है कि मेरा बच्चा कोई दीन की बात नहीं समझ रहा कर रहा। तो ये बुनियादें मजबूत करें। हम ये भी देखते हैं कि उनको अपने बच्चों की अब ओवरऑल फिक्र है। अब आप देखें कि उनके बेटे हैं वो दाखिल होना चाह रहे हैं दरवाजे से, तो उनको प्रोटेक्शन का अदब भी बता रहे हैं, हिफाजत की दुआएं कि दरवाजे में इकट्ठे नहीं जाना, नजर लग जाएगी। हम कई दफा बाकी बातें बच्चों को समझाते रहते हैं लेकिन जो दीन की कई बुनियादी असूल होते हैं वो बच्चों को नहीं बताते, हलाल हराम की तमीज नहीं देते। बच्चा कर रहा है गलत तो ठीक है, लेकिन आपने जरूर बच्चों को एक तरीका बताना है कि चीजों को असेस कैसे करते हैं, यानी हम किन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, खाने पीने से लेकर बाकी हर चीज में भी बार बार आप बच्चों को बताते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये नुकता खास तौर पे आपके टीनेज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम टीनेज में आके ना बच्चों को इतना रोकते हैं, ये क्या पहना हुआ है, ये कलर क्या है, ये लिबास अजीब है, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, कमाल है, अस्तगफुरुल्लाह, हर बात पे कहते हैं, तो बच्चा किधर जाए। आपको उनके 6 मसले आपके साथ हैं लिखने होंगे और उन 6 मसलों को लिखने के बाद देखना होगा इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं उसको पकड़ू। मैंने पर्सनली हमेशा एक चीज को इंपॉर्टेंस दी है कि मैंने बच्चों के ऊपर सिर्फ एक चीज की सख्ती की है कि कुरान क्लास में जाना है जहां पर तफसीर पढ़ाई जा रही है। लड़कों को भी यही किया, लड़कियों को भी यही किया, तो उससे क्या हुआ है कि कुरान ना खुद तरबियत करता है और कुरान के साथ जुड़ने से ना बच्चे खुद आहिस्ता आहिस्ता वो ओनरशिप के साथ चीजें छोड़ते हैं, साथ साथ नोट करते रहे कि इस क्लास में जो उन्होंने पढ़ा था वो अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट आप हर वक्त रोक टोक कर रहे हैं ना उससे टीनेज बच्चा नहीं हाथ आएगा। मैंने कहा था ना नमाज अगर आप 7 साल से पढ़ा रहे हैं तो 10 साल पे बच्चे को आदत पड़ जाती है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन जैसे ही वो 12 साल का हुआ उसने छोड़ दी, इतनी 6 नमाजें पढ़ता था। तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ क्या आपका बच्चा किसी रेगुलर कुरान क्लास में जाता है? नहीं। एकेडमी भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भेज रहे हैं, कॉलेजेस भेज रहे हैं, लेकिन कुरान क्लास अगर हमारे से दूर है घर से वहां नहीं हम भेजेंगे, हम कहेंगे गाड़ी नहीं है। मैं लोगों को कहती हूँ एक दिन की ट्यूशन से छुट्टी करा लें, टैक्सी लगवा दें, उस दिन सारे काम रोक दें, लेकिन बच्चों को एक दिन हफ्ते की कुरान क्लास में जरूर भेज। एक चीज पे इमोशनल कर देना तो तुमने मेरी खातिर कुरान क्लास में जाना, बच्चा कहेगा चलो एक कुरान क्लास जाने में अम्मा खुश होती है ना, चलो ठीक है। अल्लाह ताला ने कोई GPA नहीं देखना, अल्लाह ताला ने कोई ग्रेड्स नहीं देखने, अल्लाह ताला ने किसी का वेल सेटल्ड होना नहीं देखना, घर नहीं देखना, अल्लाह ताला ने ये देखना और आपने भी ये देखना है। आपके बच्चे बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन नमाज नहीं ना पढ़े तो सुने आखिरत तो गई। तो इन चीजों को फोकस करना है। फसबरुन जमील, सबर, सबर किस में था? यूसुफ अलैहिस्सलाम में, बिल्कुल, लेकिन शुरू कहां से हुआ था? याकूब अलैहिस्सलाम में। और याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? सबर कहा था, सबरुन जमील। मैं कौन सा सबर करूंगा? सबरुन जमील करूंगा। सबर इन इटसेल्फ ही इतना मुश्किल काम है। हम कहते नहीं अब नहीं सबर होता, भी बहुत हो गया, 15 मिनट तो हम सबर नहीं करते। अगर मैं किसी वालदा को कहूं कि आप बच्चे को मत खिलाएं, इसको खुद खाने दें, नहीं आपको नहीं पता ये नहीं खाता, अच्छा कितनी देर नहीं खाता? 3 घंटे। 3 घंटे मतलब मैं उसे खाने ना दूं? ये मां का सहाल है, मां का सबर है। हॉर्न पे हॉर्न बजा रही है बच्चे के सामने गाड़ी में, ट्रैफिक को गालियां, लोगों को गालियां, फलां के बाद, बच्चे में सबर कहां से आएगा? फिर हम बच्चे को कहते हैं सबर नहीं है तुम में, आपके अंदर क्या सबर है? मैं इतनी परेशान हूं, मैं इसको सिखा रही हूं जो मैंने आपसे सीखा था, 2 हफ्ते हो गए कोई तब्दीली नहीं आई, 2 हफ्तों में तब्दीली आ जाएगी? साल हा साल, साल हा साल लगेंगे फिर आपके बच्चे के अंदर वो तब्दीली आएगी। और आप देखें जो उनके अंदर सबर था ना, मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे तो वो जो कैदी थे उनके पास आए थे अपने ख्वाब की ताबीर के लिए, उन्होंने कहा था इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको मोहसिन देखते हैं। इतना इम्पैक्टफुल है ये बात। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जिस तरह सबर और ठहराव के साथ चल रहे हैं, किस तरह अपने बेटे का दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, किस तरह
अपने बाकी बच्चों को जिनके जिनको लगा कि उन्होंने कत्ल किया है, उनको लेके चल रहे हैं, उनका वो बेटा, उसने अपने पहले 7-8 साल में जो अपने वालिद का किरदार देखा, उसके बारे में जेल वाले भी कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं। मोहसिन वो होता है जो टिट फॉर टैट नहीं करता, जिसका रवैया एक्सीलेंस के लेवल पे होता है। और आपको पता है वो जेल में अपने साथियों को, वो उनसे ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं तो वो उनको कहते हैं इधर बैठो, खाना आने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। और उस वक्त शिर्क के बारे में उनको बताते हैं कि शिर्क मत करो। दाई का किरदार अदा करते हैं हमारे बच्चों के साथ, क्या होगा मुझे बताएं। आपका बच्चा ऑफिस में वो कहे जी मैंने बॉस, बॉस मेरा कहता है झूठ बोलो, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? बोलो बेटा, खैर ये झूठ नहीं होता, ये जरूरत होती है ना जॉब की बेटा। फिर और आजकल नौकरियां मिलती कहां, इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, थोड़े बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, अल्लाह को भी पता है। हम उनको ऐसी बातें सिखाते हैं फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दीनदार हो जाए। एक्चुअली हमें दीन चाहिए कॉम्प्रोमाइज वाला, जिसमें हमारे बच्चे का हमारा नुकसान ना, बल्कि दीन हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें वो दीन चाहिए जिससे बच्चा हमारी बात सुने। हम शुगर कोट कर देते हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो आपको अपने अंदर सबर लेके आना होगा। और सबर कैसे आएगा, इसके जरा 2-3 स्टेप्स लिखे। पहले तो आपने अपने लिए आइडेंटिफाई करना है मुझे किन चीजों पे मेरा सबर खत्म हो जाता है। लिखना है, लिखे बगैर नहीं आप कर सकेंगे इसको। आपने पूरी लिस्ट बनानी है, मसलन बच्चा खाना छोड़ जाए, मसलन बच्चा प्लेट छोड़ जाए, बच्चे का रिजल्ट अच्छा ना आए, बच्चे को मैं सोने के लिए कह रही हूं ना सोए, बच्चा ऐसे दोस्तों से मिल रहा है जो मुझे ठीक नहीं लग रहे, बच्चे के हाथ में गैजेट आ गया वो नहीं छोड़ा, जो भी चीज आपको लगती है कि बस अब मुझसे सब्र नहीं होता, वो आपने लिखना है। फिर आपने उसके साथ लिखना है कॉलम बनाकर कि मैं उस वक्त बिहेव कैसे करती हूं, मेरा बिहेवियर क्या होता है। फिर आपने ऑनेस्टली अपने आप को पूछना है कि क्या ये बिहेवियर ठीक है, मैं कैसी रोल मॉडलिंग कर रही हूं अपने बच्चे के सामने, मेरा बच्चा आगे क्या करेगा। और फिर आपने एक प्लान बनाना है कि मैंने आइंदा ये नहीं करना, मैंने आइंदा इससे कोई बेहतर तरीके से काम करना है। और वो प्लान बनाने के लिए आपको जो एक काम करना पड़ेगा, सबर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ऊपर बहुत वर्क करें। मसलन आप थकी हुई हैं, आप टेंस रहती हैं, कभी कभी वॉक के लिए चली जाया करें, कभी आप कहें कि जी मैं बहुत अच्छी, मैं एक जमाने में बड़ी किताबें पढ़ती थी, अब तो उन्होंने दिमाग इतना खराब किया है, तो पढ़ लें ना किताब, 10 मिनट पढ़ लें। मैं जी कुरान की तिलावत बहुत अच्छी करती थी, अब इनके साथ कैसे करूं, कोई बात नहीं, वो खेल रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, आप कुरान की तिलावत करें। मैं ये काम करती थी, मैं मुझे ये मेरे अंदर टैलेंट था, अपने टैलेंट्स को खत्म ना करें जो हलाल है, उनको करें, इसलिए कि आपके अपने अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, अपनी फ्यूलिंग नहीं होगी, आप बच्चों को नहीं कुछ दे सकते, आपके अंदर सब्र नहीं आएगा। अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करें, बहुत स्ट्रांग करें। और कुरान को जब आप पढ़ें तो इस नजर से पढ़ें कि अब मैं एक पेरेंट हूं, मैंने अपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, मैंने अपनी रोल मॉडलिंग को कहां पर लेकर जाना है, और उनके लिए दुआ बहुत ज्यादा मांगे। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के लिए दुआ मांगते थे और उन्होंने क्या कहा था कि मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ। जब उनके बेटों ने कहा था ना, आपको अभी तक आप यूसुफ को याद करते हैं, कि मैं अपने अल्लाह की रहमत से नहीं मायूस हूं। तो ये क्वालिटीज हैं कुछ जो आपको करने की जरूरत है। उसके लिए एक टर्म मैं बोलूंगी कि आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव का मतलब है सिचुएशन आने से पहले सारी चीजों को सोचें। हम कहते हैं बस खाना खा ले, अभी बस यही मसला है मेरा, अभी खाने का मसला है। जब तक वो स्कूल नहीं गया, कब स्कूल जाएगा, स्कूल गया अब वो एक और मसला। कहते हैं बस थोड़ा सा बड़ी क्लास में हो जाए, बड़ी क्लास में हुआ मसले खत्म हो गए, नहीं फिर और मसले। तो आपको अपने आप को इस लेवल पे लाना पड़ेगा। हर वक्त हर उम्र को मैंने इंजॉय करना है, उस उम्र के जो तकाजे हैं जिससे वो अल्लाह से जुड़ सकते हैं मैंने जोड़ना है, और अपनी रोल मॉडलिंग से ही रखनी। मसले हमारे होते हैं, सफर हमारे बच्चे करते हैं। और मैं ये सोचती हूं कि अगर हम डायरेक्शन या जो कैमरे का रुख है ना, बच्चों की बजाय अपनी तरफ फेर लें, तो शायद हमें ज्यादा अच्छे नतीजे मिलें। जो आपने जो लास्ट में पॉइंट्स लिखा है कि जो जब वो मैं नमाज का
क्योंकि मेरा यही मसला है कि जब मैं उनको नमाज से कहती हूँ तो मुझे गुस्सा, मुझे रोने से ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि तुम्हारे कान में आवाज नहीं आ रही क्या ना। तो मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि आप प्यार आप 18 ईयर से बच्चे को प्यार से क्या बोलोगे तुम्हें। जब आप गुस्सा भी कर रही हैं तो वो आपसे आपकी बात नहीं सुन रहे, और दूसरा क्या हो रहा है, वो आपसे और दूर हो रहे हैं। आपको क्या पता वो आगे जाके वो जो चीजें आप छोटी छोटी करेंगी उनके अंदर कैसे जाए, किस वक्त वो करें। जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें भी वक्त दिया, हमारे बच्चों को भी दिए, हमने आखिरी सांस तक अपना काम सही करना है मायूस हुए बगैर। जी वो भी चीज देखते हैं कि हमारे बच्चे हर वक्त हम कहते हैं बुरा काम करोगे फौरन लर्न करेंगे बच्चे, आप जो बुराई करेंगे फौरन बच्चे पिक करेंगे, लेकिन बच्चे हमको कुरान पढ़ते हुए नमाज पढ़ते हुए पांच टाइम देखते हैं, वो क्यों नहीं वो पिक कर रहे हैं। वो पिक कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया वो उनकी पर्सनालिटी में जा रहा था, लेकिन वहां पे हम मिस हैंडल करते हैं नंबर एक। दूसरा ये कि नमाज और कुरान और दीन पे अमल करना ये कुर्बानी मांगता है, और कुर्बानी हमेशा मोहब्बत के साथ आती है। यानी अगर एक बच्चा आपका लेट नाइट मूवी के लिए जाता है, वो क्यों जाता है, उसको मोहब्बत है मूवी से, तो वो लेट नाइट तहज्जुद तब पढ़ेगा जब उसको अल्लाह से मोहब्बत होगी, और वो मोहब्बत आएगी कुरान पढ़ने से, कुरान को समझने से। जितनी उनकी बॉन्डिंग अल्लाह ताला से स्ट्रांग होगी, आपने उनकी फीलिंग्स के लेवल पे काम करना होता है कि उनकी फीलिंग्स में ये बात आ जाए। तो फिर मेरा बेटा 8 साल का है, तो नमाज का उसको कहती हूँ, मतलब जैसे उसको कहती हूँ, एक दफा कहती हूँ, एक दफा कहने से उसको कभी भी नहीं आता, प्यार से ही कहती हूँ, टाइम है मेरे पास, तो मैं उसको कहूँ जब तक वो नमाज के लिए आने देंगे, एक दफा कहते बस अपनी पढ़नी। नहीं, आपने नमाज पढ़वानी है जरूर, और आपने जो पढ़वानी 8 साल का है ना, तो उसको लगाएं साथ हर, लेकिन कभी कभार अगर वो छोड़ देता है तो इग्नोर कर दें उसको, इश्यू ना बनाए, क्योंकि उसके पास 10 साल तक का टाइम है, ठीक है। और उसको ये भी ना कहें क्योंकि तुम्हारे पास 10 साल तक का टाइम है तो जब मर्जी पढ़ लो, जब मर्जी ना पढ़ो। आप उसको पढ़वाती रहें, पढ़वाती रहें। आपने जब करवाना है ना काम, जो काम करवाना है, लिस्ट बनाएं, ये मैंने ये काम करवाने हैं, उसके बाद आपने ना इश्तिहार देखे, टीवी में आते हैं, देखे ना इश्तिहार, जब ड्रामे के दरमियान में इश्तिहार आता है तो हमारी क्या हालत होती है, गुस्सा आता है। अच्छा, इश्तिहार पे असर होता है, इश्तिहार कम होते हैं, नहीं होते, उतने ही आते रहते हैं। और वो कैसे होते हैं, मसलन अगर वो आपको बता रहे हैं कि ये वाला साबुन खरीदें, तो क्या आप पहली दफा में प्यार से बताते हैं, फिर गुस्से से बताते हैं, फिर जूता उठा के बताते हैं, फिर डांटते हैं, लान तान करते हैं, ऐसे करते हैं? नहीं, वही एक इश्तिहार बार बार चलता है, और ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है इश्तिहार की। इसका मतलब है कि आप इन इश्तिहारों पे जो इतना पैसा लगाते हैं, इसका मतलब है लोग एड्स देखकर जाकर खरीदते हैं ये चीजें। आप खुद भी अंदाजा कीजिएगा, आपको कोई नई चीज चाहिए जिसका आपने एड देखा होगा, आप हमेशा वही चीज लेंगे जब आपको नई चीजों में से कोई चूज करनी होगी। तो आपने जो काम बच्चों से कराने हैं ना, आपने भी इश्तिहार चलाना है। 30 सेकेंड से ज्यादा की बात नहीं करनी, आप आजमा के देख लेंगे 30 सेकेंड, और आपने हर थोड़ी देर बाद इश्तिहार चलाना है ड्रामे के दरमियान में सिलसिला मुनकता कर करके, और उतना ही इश्तिहार हर दफा चलेगा। और बच्चा बेशक इरिटेट हो रहा है, आप देखिए, आप ऑडियंस इरिटेट हो रही है, इश्तिहार वाला वैसे ही बोलता है, बच्चा कहेगा पढ़ लूंगा ना, उसी तरह प्यार से चले नमाज के टाइम में गए नमाज पढ़ ले। आपने उतने ही प्यार से इरिटेट हुए बगैर कहना है, आप देखेंगे कुछ सालों में वो प्रोडक्ट आपकी इन हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे पता होता आप चॉकलेट देती हैं तो फिर मैं भी आपकी बात ना सुनती, फिर चॉकलेट तो मिल जाती है ना, मैं कहती हाथ खड़ा करती रही, एंड में चॉकलेट देंगी ना फिर बात सुनूंगी। जो बात आपने कहनी है डिपेंड करता है क्या कह रही है। मसलन अगर रात का टाइम है, आप सुलाना चाह रही हैं, लाइट ऑफ करें और चली जाएं, जो काम गलत कर रहे हैं उसको बंद कर दें। अगर वो कोई गेम खेलते हैं तो नेक्स्ट डे स्कूल गए हो तो उसको पैकअप करके रख दें। बच्चा आके पूछ रहा है, आप कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर रही, उनको कह रही है आज हम बात करेंगे और हमारे घर का रूल ये है, हम इस तरह करेंगे। जब आप उनसे इस तरह बताएंगी, और दूसरा पढ़े ना, गूगल करें कि बच्चा बात क्यों नहीं सुनता, मैं कौन सी बात कह रही हूं, इम्पॉसिबल चीज तो नहीं डिमांड कर रही, नैग तो नहीं कर रही बच्चे को। मम्मा ये क्योंकि फजर भी
समय पढ़ लो नितर मैंने राइट, तो वो कहती नमाज हर वक्त की पढ़ना क्यों जरूरी है मम्मा, बिकॉज यू रात को नींद आ रही है उसको उठने से पहले, ये मुझे बताइएगा। और दूसरी अपनी अचीवमेंट बताऊंगी मैं आपको कि फर्स्ट नमाज के बाद तस्बीह होती है, शी वाज देयर कि जल्दी जल्दी क्योंकि रूटीन ऐसी है खाना खाना है ऐसे पढ़ना पढ़ना लाइक दैट। तो व्हाट आई डिड बिकॉज मैं दो दिन पहले मैंने उसके साथ ऐसी नाद की फॉर्म में सुभान अल्लाह शुरू किया, शी वाज एंजॉयिंग दैट, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लाइक दिस 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह। और आफ्टर दैट अब वो इतनी खुशी से पढ़ रही है बिकॉज मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट लगी कि शी वाज देयर कि जल्दी से बस ना पढ़ना है फिर छोड़ दूं, जल्दी का टाइम में कहते थ्री टाइम्स पढ़ लिया, थ्री टाइम्स एंड देन फोर टाइम्स अलाउड ओवर लाइक दैट, बट अब वो 33 टाइम्स बड़ा मजे से पढ़ रही है ठीक है। तो ये मैंने उसकी चीज देखी थी कि वो पोएम्स को एंजॉय करती है मतलब इन चीजों को, तो यहाँ मुझे एक अचीवमेंट लगी विच आई वॉन्ट टू डिस्कस फॉर द ऑल मदर्स। और नमाज क्यों जरूरी है एंड दी थर्ड थिंग इज हियर कि जो मैं भी टेम्पर लूज करती हूँ बिल्कुल, लेकिन जब मैं टेम्पर लूज करती हूँ तब मेरे बच्चे बात सुन लेते हैं, सही है, प्यार से बोले जा रही हूँ नहीं सुन रहे, एक आवाज आई सुन लिया, ये नहीं करना है जी बिल्कुल। इसलिए कि जो एक आवाज से वो सुनेंगे वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे जिसमें तेज आवाज आएगी वो बात माननी है, जिसमें तेज आवाज नहीं आएगी वो बात नहीं माननी। आपके बच्चे हर तरह के सवाल करेंगे, मैं सिर्फ नमाज के सवाल को ही नहीं टैकल करूंगी, बहुत सारे आपके जहन में सवाल होंगे जो बच्चे आपसे पूछते हैं, उसके लिए आपने हमेशा जो भी बच्चा आपका सवाल पूछेगा आप देखेंगे इसके बारे में कुरान में क्या है, इसके बारे में हदीस क्या है, और जवाब वहीं से देंगे। कुरान में क्या है, नमाज क्यों पढ़नी है, अल्लाह ताला ने हम पे फर्ज की है, क्यों फर्ज की है, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहदीस में बताया है, सफाई के हिसाब से बताया है, इसके अलावा अल्लाह से कनेक्शन है, इतनी अहदीस हैं, आप उनको निकाल के उनके मुताबिक जवाब दें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जितना छोटा बच्चा होता है ना उतना ज्यादा वो जल्दी सीखता है, लेकिन हम उसके बाद जब वो बड़ा होता है ना हम इम्पेशेंट हो जाते हैं बिकॉज अभी उसके लिए और डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इसी दुआ के साथ ये खत्म करते हैं कि अल्लाह सुबहान ताला हमें तौफीक अता फरमाए हम अपने लिए काम सही कर सकें ताकि हम अगली नस्लें जो हैं उनकी इसलाह कर सकें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।